दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस पर। दोस्तों आज हम लोग आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं हिस्ट्री का, जो कि दोस्तों आपको बता दूं आपके एओसी के एग्ज़ाम के लिए, इसके अलावा दोस्तों आपके सीआरपी ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप सभी साथियों से कहना चाहूँगा, देखिए आपके एग्ज़ाम की डेट आ गई है 21 मई को, दोस्तों आप लोगों का एग्ज़ाम है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाए, जहाँ पर मैं बहुत सारे नोट्स वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आपके पेपर में 130 प्लस नंबर करवाने की गारंटी मेरी है। आप लोग खूब अच्छे से अपना जो है तैयारी करिए, ताकि आपका रिटर्न क्लियर हो। चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों आपके क्वेश्चन को भी मैंने इसीलिए बायोलैंग्वेज कर दिया, ताकि आप लोगों को ज़्यादा फायदा हो। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता था? ऐतिहासिक स्रोत, यानी हिस्टोरिकल सोर्स हम लोग कहते थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए जहाँ पर दोस्तों जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, वहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, बहुत बेहतर तरीके से दूंगा, आप चिंता ना करिए। लेकिन देखिए यहाँ पर कोई इशू है नहीं एक्सप्लेनेशन का, तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों भौगोलिक स्रोतों को लेकर के, देखिए भौगोलिक स्रोतों के बारे में अगर जानकारी दिया जाए उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल सोर्स। सामाजिक स्रोतों के बारे में दोस्तों बात करें उसको बोलते हैं सोशली सोर्सेस। राजनीतिक सोर्सों के बारे में दोस्तों जहाँ बात कीजिए वहाँ पर बोलते हैं पॉलिटिकल सोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर के। यहाँ पर हमको दिया हुआ दोस्तों, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? विच वेदा गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्चर ऑफ द ओल्ड वैदिक पीरियड। देखिए सबसे पहले दोस्तों इसमें मैं आपको बात करूँ, इसमें अथर्ववेद में दोस्तों, किसमें? अथर्ववेद में दोस्तों आप लोगों में को इसके बारे में जानकारी दी गई है। देखिए मैं आप लोगों को चेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है, आप सभी साथी ध्यान रखिएगा, चेक करना चाह रहा हूँ मैं, इसके आंसर की भी आपको देने वाला हूँ। दोस्तों ये एकदम गलत है, अथर्ववेद में नहीं दोस्तों, ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद दोस्तों ऋग्वेद, यानी वैदिक संस्कृति के बारे में किस में दिया गया है? ऋग्वेद में दिया गया। दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर मैं कुछ और बातचीत भी करूँगा। देखिए दोस्तों सबसे जो प्राचीन वेद है दोस्तों हमारा क्या है? ऋग्वेद, जिसमें दोस्तों हमारे क्या है? 10 मंडल है, ध्यान रखिएगा क्या है? 10 मंडल है। 1028 सूक्त, ध्यान रखिए क्या दोस्तों? 1028 दोस्तों हमारे क्या है? सूक्त है, लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों 10462 आप लोगों के क्या है? ऋचाएं हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ें उतना नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों यजुर्वेद में। देखिए यजुर्वेद के बारे में बात करें दोस्तों, इसमें बलिदान की विधि के बारे में, यानी बलिदान के बारे में दोस्तों इसमें चर्चा की गई है। बात करेंगे दोस्तों हम लोग आपका सामवेद को लेकर के। देखिए सामवेद के बारे में दोस्तों अगर हम लोग बात करें, इसमें जो है इसको बोला गया ज्ञान का अर्थ, यानी ज्ञान का संसार बोला गया इसको दोस्तों। ज्ञान का अर्थ यहाँ पर गान बोला गया, ध्यान रखना। ज्ञान का अर्थ दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? गान के रूप में बताया गया, इसको भी ध्यान रखना। और इसमें दोस्तों 1810 सूक्त है। वहीं दोस्तों अगर बात करेंगे अथर्ववेद के बारे में दोस्तों, तो अथर्ववेद को दोस्तों मंत्रों का ग्रंथ कहते हैं। इसके अलावा इसमें जो है 731 दोस्तों मंत्र हैं। इसके अलावा 6000 इसमें पद्य हैं, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी साथियों के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर के। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या बताया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा श्रुत ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पार्ट ऑफ द श्रुति ग्रंथास। किसको दोस्तों श्रुति ग्रंथ का नहीं माना जाता? दोस्तों पुराणों को, पुराणों को जो है श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो ग्रंथ है वह विश्व में और उस ग्रंथ में नहीं है, वह ग्रंथ में विश्व में अलभ्य है। यानी ऐसा कौन सा ग्रंथ है दोस्तों जो दावा करता है कि वो अपने आप में सबसे दुर्लभ है, सबसे वेस्ट है, उसकी जैसा ग्रंथ कोई पूरे विश्व में नहीं दोस्तों। इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नहीं दोस्तों ये कौन करता? महाभारत, महाभारत बताता दोस्तों। और अगर आप लोगों को बताऊं महाभारत की दोस्तों जो रचना है उसमें किसने किया था? वेदव्यास ने। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना, आप लोगों से पूछता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर के। देखिए 5 के बाद बात करेंगे दोस्तों, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ क्या है? त्रिपिटिका इज द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ। त्रिपिटक ग्रंथ क्या है दोस्तों, इसके बारे में बताना दोस्तों। देखिए त्रिपिटक ग्रंथ के बारे में बात करें दोस्तों, ये हमारा क्या है, किसका है दोस्तों? ये बौद्धों का, यानी बौद्धिस्ट का है, ठीक है, ये बौद्धिस्ट का है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जैन धर्म को लेकर, जैन धर्म के दोस्तों 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें पहले दोस्तों बात करेंगे ऋषभदेव हमारे क्या थे? प्रथम थे। और लास्ट दोस्तों हमारे कौन थे? महावीर स्वामी,
ध्यान रखना महावीर स्वामी लास्ट थे, और फर्स्ट दोस्त हमारे कौन से थे, ऋषभदेव, आप सभी साथियों को बता रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर के। देखिए 6 में हमको क्या दिया है, जातक किसका ग्रंथ है। जातक दोस्तों किसका ग्रंथ, दोस्तों किसका है, बौद्धिस्ट का। जातक किसका ग्रंथ है, बौद्धिस्ट का। अब दोस्तों यहीं पर कुछ एक अलग चीज़ों के बारे में बात करूंगा कि जो खजुराहो के मंदिर थे दोस्तों, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, खजुराहो के मंदिर का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था, जैनों ने करवाया था। ध्यान रखना जैनों ने करवाया था, चंदेल शासकों द्वारा दोस्तों इसको करवाया गया था जो कि जैन थे। और बौद्ध धर्म के दोस्तों अगर संस्थापक की बात करें तो कौन थे, गौतम बुद्ध थे। इसको भी ध्यान रखना, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों, गौतम बुद्ध थे। उम्मीद करता हूँ तो आप सभी साथियों को अच्छे से समझ में चीजें आ रही होंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर मिलिंद पन्हो राजा। मिलिंद किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में, दोस्तों इसका क्या राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 नागसेन के बारे में था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर के। देखिए यहां पर हमको क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। एमंग द हुच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंपेरेबल द मैकियावेली प्रिंस, आपको बताना दोस्तों किससे की जाती है। दोस्तों बात करूंगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। देखिए जहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वहां पर मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, आप चिंता ना करिए। दोस्तों कौटिल्य के अर्थशास्त्र को किस पहलुओं पर प्रकाश डाला गया, यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलुओं के ऊपर प्रकाश डाला गया दोस्तों, राजनीतिक नीतियों यानी पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर दोस्तों क्या किया गया है, प्रकाश को डाला गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर के। ये कलहण की पुस्तक का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ कलहर्ष बुक, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपके बहुत एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, क्या हो जाएगा, राज तरंगणी, क्या हो जाएगा, राग तरंगणी। दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों इंडिका, इंडिका को किसने लिखा था दोस्तों, मेगस्थनीज ने। ध्यान रखना है मेगस्थनीज ने, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों अगर बात करेंगे दोस्तों अर्थशास्त्र, तो देखिए अर्थशास्त्र को दोस्तों किसने लिखा था, चाणक्य ने। ध्यान रखना आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों से पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर के। अष्ट अध्यायी किसके द्वारा लिखी गई, हु द अर्थराइज द अष्ट अध्यायी, अष्ट अध्यायी को दोस्तों किसने लिखा था, आप सभी साथियों को ये बताना। देखिए दोस्तों अगर बात करें अष्ट अध्यायी दोस्तों किसने लिखा था, पाणिनि ने, किसने लिखा था, पाणिनि ने। वही दोस्तों बात करेंगे वेदव्यास, इसने महाभारत को लिखा था, नहीं इन्होंने महाभारत को लिखा था। वाल्मीकि की बात करें दोस्तों, इन्होंने रामायण को लिखा था, आप सभी साथी इसको जानते भी होंगे, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12th का। देखिए 12th में हमको क्या दिया है, महाभाष्य के रचनाकार का नाम है, हु अर्थराइज द अर्थशास्त्र यानी महाभाष्य अर्थशास्त्र, ठीक है, इसके बारे में दोस्तों आप सभी साथियों को बताना। देखिए अगर दोस्तों हम लोग बात करें इसका क्या हो जाएगा, पतंजलि, पतंजलि ने लिखा था दोस्तों इसको, ठीक है। और कौटिल्य ने दोस्तों आपको पता ही है क्या लिखा था, ठीक है ना, कालिदास दोस्तों क्या लिखे थे, आप सभी साथियों को से मैं पूछ रहा हूँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या लिखा था, मेघदूत, और क्या लिखा था, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, भारवी। अब देखिए दोस्तों अगर हम लोग भारवी की बात करें दोस्तों, भारवी ने कितार्जुनियम को लिखा था, क्या लिखा था, कितार्जुनियम को, कितार्जुनियम को लिखा था भारवी ने, इसको भी आप लोग ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 को लेकर के हम लोग बात करेंगे, कालिदास द्वारा रचित माल विकाग मित्रम नाटक का नायक था, नाटक का दोस्तों नायक कौन था दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अग्निमित्र, इसका नाटक कौन था, अग्निमित्र, ठीक है, नायक जो था दोस्तों अग्निमित्र था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी, देखो हु वाज रिटन द हर्षचरित, इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बाणभट्ट, बाणभट्ट द्वारा दोस्तों हर्षचरित को लिखा गया था, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए वाल्मीकि ने दोस्तों क्या किया था, आप सभी साथियों को पता है, रामायण, वेदव्यास ने दोस्तों महाभारत, कालिदास ने दोस्तों क्या किया, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत को लिखा था, सभी साथियों को ये उम्मीद है पता भी होगा। विक्रमा चरित की रचना का नाम क्या है, विक्रमांक चरित की रचना का नाम क्या दोस्तों, इसका हो जाएगा दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी यानी बिल्लहण हो जाएगा, राइट ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, बिल्लहण। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे, चंद्रवर द्वाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है, द नेम ऑफ द बुक ऑथोराइज बाई द चंद्रवर दाई इच, दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वीराज राशु। देखिए बात करें दोस्तों बिसलदेव, बिसलदेव को लिखा था नरपत नाल ने, नरपति नाल ने, इसको आप ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्या हो जाएगा, नरपत नाल ने। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर अगला आपका जो है
कि कश्मीर कभी देखिए, अगर हम लोग बात करें यहीं पर दोस्तों कि पृथ्वीराज विजय, जो आपका पृथ्वीराज विजय है दोस्तों, ये इसको किसी ने जयनामक नामक दोस्तों कश्मीरी कवि ने, थे जयनामक नामक कश्मीरी कवि ने लिखा था। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 को लेकर के। देखिए 17 में हमको क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था, कौन सा ऐसा इतिहासकार था दोस्तों जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट यानी क्या हो जाए, हेरोडोटस था जो सिकंदर के साथ दोस्तों भारत नहीं आया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 को लेकर के। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, एमिंग द फॉलोइंग व्हिच फॉरेन ट्रेवलर एट कम फर्स्ट टू विजिट द इंडिया। देखिए दोस्तों अगर बात करेंगे मेगस्थनीज, दोस्तों देखिए मेगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कब आया था दोस्तों, 305 ईस्वी पूर्व भारत आया था। ठीक, अब देखिए दोस्तों बात करेंगे फायान, फायान दोस्तों क्या था, चीनी भिक्षु था जो कि दोस्तों नेपाल में गौतम बुद्ध के जन्म स्थान पर स्थान पर आया था। ठीक है दोस्तों बात करेंगे ह्वेनसांग, देखिए ह्वेनसांग भी दोस्तों क्या था, ये भी एक चीनी बौद्ध था और ये क्या क्या था, कम से कम 14 से 15 वर्षों तक ये क्या था भारत में रहता था दोस्तों, अलग अलग भारत के हिस्सों में घूम करके इसने भारत का किया था। और हितेश सिंह की बात करें दोस्तों, ये भी हमारा क्या था, एक चीनी यात्री था, ये भी ध्यान रखना आपको, ये भी एक चीनी यात्री था। ठीक है नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को लेकर के। 19 में दिया मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ मेगस्थनीज, मेगस्थनीज की पुस्तक का दोस्तों क्या नाम था, आप लोगों को बताना दोस्तों क्या हो जाएगा, इंडिका, देखिए अभी हमने आपको बताया ही था। ठीक है नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को लेकर के। 20 में हमको क्या दिया है, जोग्राफिया की रचना किसने की, हु कंपोज बाई द जोग्राफिया, दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सी स्ट्रैबो, क्या हो जाएगा दोस्तों, स्ट्रैबो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21, पिलनी की पुस्तक का नाम है, पिलनी की पुस्तक का दोस्तों क्या नाम था, दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी नेचुरल्स हिस्टोरिया, क्या हो जाएगा, नेचुरल्स हिस्टोरिया। आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोगों से कई बार ही पूछा गया। नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 को लेकर के। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की थी, दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अज्ञात यूनानी लेखक ने, अज्ञात यूनानी लेखक ने दोस्तों इसकी रचना की थी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, फहान कहाँ का निवासी था, फहान दोस्तों कहाँ का निवासी था, आप लोगों को बताना दोस्तों कहाँ का था, चीन का यानी चाइना का निवासी था। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, फहान किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों, आप लोगों को बताना दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों नेक्स्ट, ठीक है आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था दोस्तों, कौन सा आया था, ह्वेनसांग, आपको ध्यान रखना है दोस्तों हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग नामक यात्री जो है भारत आया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये सीरीज बहुत ज़बरदस्त बहुत पसंद आएगी, और आप लोगों से कहना चाहूँगा सभी साथी जो है PDF वगैरह पाने के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, इसका दोस्तों आप लोग वीडियो वगैरह को जरूर शेयर कर दिया करो, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए करो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और जो नोट्स वगैरह दे रहे हैं उसको पढ़िए। जिस दिन आपका 21 तारीख को एग्जाम होगा आप लोग खुद आके बताओगे सर कि हमारे कितने क्वेश्चन हम, और आपको बता दो सिर्फ आपका AOC रिलेटेड सारी चीज़ों को हम लोग कवर कर रहे हैं। इस तरीके की चीज़ दोस्तों आपको पेड क्लासेस में भी बहुत मुश्किल से मिल सकती हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी साथी इतनी अधिक संख्या में चैनल से जुड़े हैं, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।